कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू, क्वेश्चन नंबर वन देखें। हमें क्वेश्चन नंबर वन में एक्सरसाइज 10.2 ले रहे हैं और देखते हैं दिया क्या क्या है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। तो एक टेंजेंट है दिस इज 24। The distance of Q from the center is 25। अब देखें ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर हम इसको मान लेते हैं और ये जो ये डिस्टेंस है ये 25 है। हमें बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। हम लोगों को ये पता है कि द टेंजेंट drawn tangent is always perpendicular to the radius at the point of contact। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं simply। इसको आप इसने इसको लिया हुआ है point O और इसको मैं P ले लेता हूं। इसको O लिया हुआ है और इसको मैं P ले लेता हूं। तो हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे, हम इसको ऐसे कहेंगे कि सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस at the point of contact। ठीक है, therefore OP is perpendicular to PQ and hence in triangle OPQ, अगर आप देखें OPQ, OP square प्लस, अब यहां पे ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ना, तो ये OQ जो है वो हाईएस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट OP स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस 576 इज इक्वल्स टू 625। OP square is equals to 625 minus 576. OP square is equals to 49 and this gives us OP is equals to 7. Therefore, radius is equals to 7. This is the answer for us. ठीक है, तो अब देखें हमारे पास क्या दिया गया था। हमने एक ही चीज को ध्यान में रखा यहां पे, दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और बस उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर किया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये तो आप सबको आती है, बस हमने यही यूज किया एंड वी गॉट अवर आंसर। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट करें फिर आगे बात करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास क्या दिया गया है, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, तो टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड एंगल पीओक्यू इज 110 डिग्री, देन एंगल टीपीक्यू हमें बताना है। बड़ा सिंपल सा है, एंगल पीटीक्यू बताना है सॉरी। तो अगर आप देखें यहां पे here TP and TQ are tangent to the circle, है ना? Therefore हम कह सकते हैं
is perpendicular to OP and TQ is perpendicular to OQ. Tangents drawn are perpendicular to the radius at the point of contact. Also, angle POQ is equals to 110. Now आप अगर क्वाड्रिलेटरल देखें, इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज 360 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. राइट, नाउ इफ यू सी एंगल टी हमें निकालना है, बाकी सब चीजें हमें पता है. 90 + 90 + 110 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल टी प्लस 290 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल टी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 290. एंगल टी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. तो हमने यहां पे सम टोटल ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल यूज किया. शाबाश, नोट करें. आप लोगों ने एंगल एओबी तो मुझे फाइंड आउट करके बता दिया, इट इज 100 डिग्री. जॉइन ओपी, ठीक है. अब जॉइन ओपी अगर हम लोग देखें तो इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल बीओपी एपी इज इक्वल्स टू पीबी. Tangent drawn from exterior point are equal. ये तो हमें पता है कि tangent drawn from exterior point are equal. Now फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाएगा. देखिए ये एंगल ए पी ए बी पी ए ओ सॉरी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ ईच 90 डिग्री है ना. ये एंगल दोनों 90 डिग्री थे, दोनों यहां से भी और यहां से भी. ये हम लोगों ने सेम बता दिया. और अब ये PO is equals to PO common, therefore triangle PAO AOP is congruent to triangle BOP. This implies that angle AOP is equals to angle BOP CPCT. ये भी हो गया. अब ये भी इक्वल हो गया तो सिंस एंगल AOB is equals to 100 डिग्री, दिस implies that एंगल AOP plus एंगल BOP is equals to 100 डिग्री. This implies that twice angle AOP is equals to 100 degree. Angle AOP is equals to
50 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो काइंडली नोट दिस डाउन एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस। शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे।